जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि BSPSL के लिए जो आपका टेंडर के लिए नोटिस आउट कर दिया गया है, मतलब एजेंसी के लिए इनवाइट किया गया है कि उसमें एजेंसी पार्टिसिपेट करे और वो वैकेंसी निकाले। तो आपका वैकेंसी जल्द में आपका आने वाला है। एजेंसी के लिए केवल आपका नोटिस आउट अभी किया गया है, जस्ट आपका वैकेंसी को लेकर भी आपका इसमें मतलब कि जल्द में आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर इसमें नोटिस क्या आपका आउट किया गया है टेंडर को लेकर, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। तो इस वीडियो में मेरा ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप जान भी रहे हैं कि BSPSL के लिए आपका वैकेंसी जल्दी में आने वाला है। तो ये जो टेंडर का नोटिस जो निकाला गया वो करीबन 8 से 9 दिन हो रहा है, वो आप देखें वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सा लिख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा इस वर्ष, आपका शायद कितना एवरेज, एक एवरेज कितना आपका कट ऑफ होगा, और प्रीवियस ईयर 2018 में इसकी जो वैकेंसी आई थी उसमें कितना सभी कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपका कितना कट ऑफ दिया था, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस बार आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, दूसरा मैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट मतलब कि सैलरी का भी देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले सैलरी वगैरह के बारे में अलग से हम वीडियो बना चुके हैं, वो देखे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एक प्ले लिस्ट बना हुआ मिलेगा, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको SBO या आपका BSPSL के लिए रिकॉर्डिंग बहुत सारा वीडियो बनाया गया है। तो आप देखिए आपको अच्छे ढंग समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो में जो मैं आपको बताया वो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आपके पास बहुत ही कम टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी में अभी से लग जाना है, और बाकी जो मैं आपको बताऊँगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं कॉपी मोबाइल प्लेट पहले नोट कर लिया हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका जैसे BS बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है, जो अभी आपका आने वाला है, वो नहीं बोल सकता हूँ कि एकदम यही पोस्ट पे आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो हिसाब से पोस्ट, जो चार पोस्ट आई थी उसके मैं आपको बता रहा हूँ, और इस बार भी आपको चांसेस यही पोस्ट का समझना है। प्रोबेबिलिटी असिस्टेंट हेल्पर SBO सीट बोर्ड ऑपरेटर JLM जूनियर लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड 4, यही चार पोस्ट के प्रीवियस ईयर में आपका वैकेंसी जो 2018 में निकला था उसी का था, और इस बार भी आपका यही पोस्ट निकलने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन का भी डिटेल मैं बता चुका हूँ, जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये सभी पोस्ट के लिए असिस्टेंट हेल्पर या SBO या JLM या टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होता है 10th पास और प्लस ITI होना चाहिए, वो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए, चाहे NCVT या STVT से आप प्राप्त कर चुके हैं ITI तो आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल इसमें NCVT से रहना चाहिए, SCVT से भी रहेगा तो आपका इसमें चल जाएगा। तो ठीक है, इसमें जो एज लिमिट आपका होता है बहुत ही हाई होता है, मतलब कम नहीं होता है, इसमें 18 to 37 ईयर्स के बिटवीन में होता है UR कैटेगरी के लिए। बाकी इसमें EBC OBC के लिए कैटेगरी के लिए छूट दिया जाता है, मतलब कि 3 साल इसमें छूट दिया जाता है EBC OBC के लिए। तो 18 to 40 ईयर्स के बिटवीन एज होना चाहिए EBC OBC कैटेगरी के लिए, और इसमें जो SC ST के लिए जो छूट दी जाती है 5 साल का, तो इसमें 18 to 42 ईयर्स के बिटवीन में होता है SC और ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट। क्वालिफिकेशन समझ के अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न समझते उसके बाद सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 100 जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका दो रहता है, एक टेक से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड आपका सवाल रहता है, और दूसरा आपका नॉन टेक्निकल से सवाल रहता है। जो टेक्निकल में आपका इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रीशियन में आपका 50 क्वेश्चन रहता है, और कंप्यूटर में आपका 15 क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रीशियन में आपका 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर में आपका 15 सवाल पूछा जाता है ये टेक में, मतलब कि आपका हो गया 65 आपका हो गया ये टेक से रिलेटेड में आपका सवाल पूछा जाता है, और नॉन टेक्निकल में आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 35 में भी इसमें सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, GK और GS को मिलाकर आपका 10 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। रीजनिंग में आपका 10, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में भी आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसी तरह 10, 10, 10, 30 हो गया, और इंग्लिश में 5, मतलब कि 35 टोटली क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन टेक में। 35 आपका नॉन टेक में क्वेश्चन रहता है, और टेक में इलेक्ट्रीशियन में 50 और कंप्यूटर में 15। इसी तरह आपका कितना हो गया, मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 100 क्वेश्चन
को सोल्यूशन करने के लिए जो टाइमिंग दिया जाता है वो 2 आवर्स का आपका टाइमिंग इसमें दिया जाता है। अभी देखिए नोटिस में क्या आएगा उसका मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस ये 2018 में कैसे थी 2 घंटे का टाइमिंग मिला था और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी होगा, जो 0.25 इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। तो ये आपका नेगेटिव मार्क्स है और इसमें जो आपका मार्क्स होगा कि एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए मतलब एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए एक अंक आपको मिलेगा, इसी तरह 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स इसमें आपका हो जाएगा। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सिलेबस के बारे में एक एक टॉपिक को वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस में जनरल नॉलेज यहाँ पे शो किया जा रहा है, जनरल नॉलेज यानी जीके में जो आपका सवाल पूछा जाएगा सबसे पहले जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं कि आपका जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स से सवाल पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स में आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से सवाल पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से। दूसरा आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास और थर्ड नंबर पे आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन पॉलिटी से भी सवाल पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी सभी सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग में जो आपका टॉपिक से रहेगा वो आपका एनालॉजी से रहेगा, आपका सिमिलैरिटीज से रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से आपका सवाल पूछा जाएगा और आपका स्पेस विजुअलाइजेशन से सवाल पूछा जाएगा, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज से आपका पूछा जाएगा, एरिथमेटिकल रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। ये केवल और केवल रीजनिंग में पूछा जाएगा, आप इसे सब कुछ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका है जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी में सामान्य जो हिंदी से पूछा जाएगा सवाल उसका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको वो हिंदी में समझना है, मतलब कि यहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी से सवाल पूछा जाएगा मतलब कि व्याकरण से सवाल रहेगा। तो आपका इंग्लिश में जो आपका हिंदी में जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा यहाँ पे देख पर इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर डिटेक्शन है, आपका इंस है, फ्रेजेस है, मुहावरे है, ये सभी सवाल पूछा जाएगा हिंदी में और जस्ट इसका वैसे ही इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। जैसे मैं एरर डिटेक्शन भी आपका हिंदी में पूछा जाएगा और एरर डिटेक्शन भी आपका इंग्लिश में पूछा जाएगा, जो यहाँ पे आपका इंग्लिश में सब कुछ का सिलेबस शो किया जा रहा है और यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे इंग्लिश और कंप्रिहेंसेशन का यहाँ पे सिलेबस शो किया जा रहा है, जो आपका हिंदी में भी वही चीज था ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जस्ट इसको इंग्लिश में भी याद करना होगा और आपको हिंदी में भी याद करना होगा। तो नेक्स्ट आपका है वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी सवाल पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन से रहेगा, इडियम ऑफ फ्रेजेस से सवाल पूछा जाएगा, पैसेज कंप्रिहेंसिव से सवाल पूछा जाएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से जो आपका रहेगा इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से पहला टॉपिक रहेगा जो आपका CPU इसमें टॉपिक रहेगा, दूसरा आपका मेमोरी से सवाल पूछा जाएगा, हार्ड डिस्क से रहेगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा और यहां तक आपका हो गया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से दूसरा आपका सवाल पूछा जाएगा जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर का है। पहला आपका ये पूछा जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज से सवाल पूछा जाएगा, ये 3 टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। अब ये MS ऑफिस में क्या क्या से सवाल रहेगा, मेन तो टॉपिक MS ऑफिस में यही सब कुछ होता है इसीलिए यहाँ पे शो भी किया जा रहा है। MS वर्ड से सवाल पूछा जाएगा, MS एक्सेल से रहेगा, MS पावर पॉइंट से रहेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट में जो आपका सवाल पूछा जाएगा वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल हो गया, सर्च इंजन्स हो गया, वेब सर्वर्स हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट में और भी इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, आपका ईमेल हो गया, सर्च इंजन गूगल वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है इसीलिए तो यहाँ पे शो भी किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो आपका लैन है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क इसे बोलते हैं, वैन है, मोडम है, ये सब कुछ से सवाल पूछा जाएगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सभी लोग को जानना जरूरी है साइबर सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी से सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपका वायरस मलवेयर ETC वगैरह से सवाल रहेगा, वन इंटरनेट सिक्योरिटी से रहेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी से रहेगा, फायरवॉल से सवाल पूछा जाएगा। ये आपका यहाँ तक आपका कंप्यूटर का सब सिलेबस समाप्त हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ टेक्नीशियन पेपर एज फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड,
जो आप ITI किए हैं और उसमें जो फाइनल ईयर में जो आप स्टडी किए हैं, जो आपका सिलेबस था फाइनल ईयर में, उसी से रिलेटेड सभी सवाल पूछा जाएगा। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेगा, जो नीचे में सभी टॉपिक्स यहाँ पे सोखे जा रहा है। पहला जो आपका टॉपिक है एसी मशीन वाइंडिंग है, दूसरा आपका अल्टरनेटर है, तीसरा आपका सर्किट ब्रेकर्स है, फोर्थ नंबर पे डीसी ड्राइव से सवाल पूछा जाएगा, फिफ्थ नंबर पे डीसी मशीन वाइंडिंग से रहेगा, सिक्स नंबर पे डोमेस्टिक अप्लायंसेस से सवाल पूछा जाएगा, सेवन नंबर पे शो किया जा रहा है इल्यूमिनेशन से सवाल पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल वायरिंग से रहेगा, मशीन कंट्रोल कैबिनेट से रहेगा, इसी में कंट्रोल पैनल से लेट रहेगा, असेंबली और वायरिंग से सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है वो आपका पावर जनरेशन से सवाल पूछा जाएगा, और आपका सिंगल फेज इंडक्शन से सवाल पूछा जाएगा, साइनोक्रोनस मोटर से सवाल रहेगा, थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर नन कन्वेंशनल से सवाल रहेगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से सवाल पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग से सवाल रहेगा, 16 नंबर पे आपका है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से रहेगा, और 17 नंबर पे आपका है VWF AC ड्राइव से सवाल पूछा जाएगा। शायद ये आपका लास्ट है, 18 नंबर पे आपका लास्ट है, जो अंडरग्राउंड केबलिंग से सबसे लास्ट टॉपिक है, अंडरग्राउंड केबलिंग से भी सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपका नैन टेक और टेक से रिलेटेड जो भी BSPSL के अंतर्गत सवाल पूछा जाएगा, यहाँ तक आप सिलेबस देख चुके हैं। और इसमें जो 2018 में वैकेंसी आई थी और 2018 में वैकेंसी आई थी और जो कट ऑफ आपका गया था कैटेगरी वाइज के हिसाब से, वो आप ध्यान से सुनेंगे, वो UR के लिए 58.90 गया था और फीमेल के लिए 33.43 आपका इसमें कट ऑफ गया था, और यही SC के लिए मेल के लिए 46.83 गया था और SC के लिए फीमेल के लिए 8.69 आपका गया था, 8.69 आपका गया था, और इसमें ST के लिए 52.07 आपका कट ऑफ गया था, और इस मेल के लिए 52.07 और फीमेल के लिए ST के लिए जो कट ऑफ गया था 15.65 15.65 इसमें कट ऑफ आपका गया था। EBC के लिए आपका जो कट ऑफ गया था मेल के लिए वो 52.08 और इसमें फीमेल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 8.98 इसमें कट ऑफ गया था। BC के लिए आप कैटेगरी के लिए मेल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 54.23 आपका इसमें कट ऑफ गया था और BC फीमेल के लिए जो कट ऑफ गया था 26.99 इसमें कट ऑफ गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर में आपका कट ऑफ गया था और इसमें मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, इस बार जो कट ऑफ के लिए वो 65 के एवरेज आपका ये कट ऑफ इस बार जाने वाला है। देखिए ये निर्भर करता है कि जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उसके हिसाब से कि इस बार कितना मास्टर माइंड बैठ रहे हैं, कितना पढ़ने में तेज है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस जो रहता है कंप्लीट करके उनका कट ऑफ निकलता है। जैसा पढ़ने में जो हिसाब से बैठेंगे उसके हिसाब से कट ऑफ रहेगा। अगर कम लोग इसमें मतलब पढ़ने के जा रहे हैं, मतलब जैसा तैयारी रहेगा उसके हिसाब से आपका हाई भी कट ऑफ जाएगा। तो निर्भर करता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट बैठे उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो 2018 में सिलेक्शन हुआ था वो 58 जब हाईएस्ट कट ऑफ गया था, तो इसमें आपका जो कट ऑफ इस बार देखा जाए तो आपका 65 के एवरेज, ये मैं आपको अपने हिसाब से एक व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी मैं इसको इसमें बता दूं कि इसमें जो आपका टेंडर के लिए जो नोटिस आउट किया गया है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड सिलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। तब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ऑनलाइन का मतलब कि अगर आपका परीक्षा होगा वो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका परीक्षा होगा जो पिछले साल भी CBT ही टेस्ट हुआ था, इस बार भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगा। और बाकी ऑनलाइन का मतलब यही लिखा हुआ, और ऑफलाइन जो लिखा हुआ है वो आपका जितना भी प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो वो जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, इसीलिए आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन लिखा हुआ है टेंडर जो नोटिस में मतलब निकाला गया है, जो नोटिस में ये ऑनलाइन ऑफलाइन लिखा गया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सैलरी जो आपका होना चाहिए, जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो 9200 से लेकर 15500 तक रहता है, 15500। ये आपका प्रोबेशन पीरियड में रहेगा ये सैलरी, बाकी प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का रहेगा, जैसे 1 ईयर का रहेगा उसके बाद जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा देन उसके बाद आपका 38000 या 40000 के आसपास आपका अराउंड ये आपका सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी इसमें 2 ईयर्स का ट्रेनिंग भी मिलेगा जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, देन उसके बाद आपको जो है उसके हिसाब से आपको मतलब पोस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप पोस्टेड हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो भी मतलब आपको लग रहा है इसके बाद भी क्योरी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दूंगा। और बाकी
जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी आएगी वैकेंसी को लेकर, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी शेयर करेंगे। अभी देखिए, केवल नोटिस का नोटिस निकाला गया है, टेंडर के लिए नोटिस आउट किया गया है। वैकेंसी जो आपका आ जाएगा वो करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको आ जाएगा, मतलब कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। ये चांसेस आपको टारगेट लेके आपको चलना है। देखिए, इसके बावजूद क्या हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक टेंडर और उसके हिसाब से आपको एक एवरेज लेके चलना है कि 1.5 से 2 महीने में आपका वैकेंसी आ ही जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी में जो भी करना है वो कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।